तो आपको इस ड्रेस की डिटेल चाहिए, मैं आपको दूंगी इस फ्रॉक की डिटेल, इस लहंगे की डिटेल जो मैंने अंदर पहना हुआ है, पूरा स्टफ़ बताऊंगी, मेजरमेंट बताऊंगी। और ये जो फ्रॉक है मेरी, मैं कहती हूँ 2000 रुपये में तैयार होने वाली फ़्रॉक है, खीर है ये। मैं कहती हूँ आप लोग देखेंगे, आप लोग सीने पर मजबूर हो जाएंगे, ये स्टाइल, ये डिज़ाइन। ओके, अब करते हैं स्टार्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। और कि मेरी वीडियो इससे पहले मेहंदी ड्रेसेस पे थी, सही है? ये बालों की मुझे समझ नहीं आती, ऐसे मांग निकालती तो ये खुद ही इधर आ जाते हैं। चलो अपने ही, अब करते हैं स्टार्ट। तो मेरे पास है, मैंने सोचा था आप लोगों से, मैंने शेयर भी किया था कि शादी सीज़न पहले मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ जो मैं सफ़ायर से ब्लैक ड्रेस लेकर आई हूँ, उसके बाद शादी सीज़न के बाद मैं वो कटिंग और स्टिचिंग आपको पूरे उसके डिज़ाइन की डिटेल बताऊँगी, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें। तो मेरे पास दो ड्रेसेज हैं बारात के हवाले से, इतने प्यारे हैं। एक जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब वो मेरा शादी से पहले वाला ड्रेस था जिसपे धागे की कढ़ाई हुई है, वो शादी के मैंने 5 साल बाद वो मैंने सूट निकाला हुआ, अनस्टिच था, ठीक है? ये काम वाले जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो पुराने नहीं होते। और जिनकी भी शादियां हो, मैं कहती हूँ धागे के काम वाले ड्रेसेस लें, और अनलिमिटेड ना लें, लिमिटेड से कपड़े लें और बहुत खूबसूरत लें, ठीक है? बाद में आपकी फ़िज़िक का नहीं पता होता कि पतले हो जाएँ, मोटे हो जाएँ, ठीक है? वो कपड़े जाते हैं आपके भरपा, स्टिच ही लें आप लोग, ताकि बाद में अपने साइज़ के हिसाब से आप लोग स्टिच करवा लें, ठीक है? और ये है कि मेरे पास दो जो ड्रेस हैं वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, लाइनिंग, उसकी डिटेल, उसकी स्केचिंग, उसका साइज, उसका सब कुछ, ईच एंड एवरी थिंग, दोनों की मैं आपको डिटेल बताऊँगी। इतने कम बजट में तैयार होने वाले वो सूट है ना, एक ड्रेस अजान हो रही है। तो मुझे ना एक बंदी का ना मैसेज आया कि ना आप प्लीज़ शर्ट ऊपर रख के ना कमीज़ रख के कटिंग करना बताएं। तो मुझे लिटरली, मुझे ऐसी कटिंग करनी नहीं आती, मैं मेजरमेंट कर करके ना फिर कटिंग करती हूँ। मेरी टाइम ही है वो ना कमीज़ ऊपर रख के ना ऐसी कटिंग कर लेती है, और वो इतने सालों से ऐसे पहन रही है कटिंग कर करके, और मैं कहती हूँ क्या फिट साइज़ आता है उनका। चलें तो अब करते हैं स्टार्ट, अब आपको अपने ड्रेसेस दिखाती हूँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टफ़ का बता दूँ। स्टफ़ जो है ये क्रिंकल शिफॉन है, ये जॉर्जेट का कपड़ा नहीं है, ठीक है? जॉर्जेट तो बहुत ही अजीब होती है, तो ये क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है? और क्रिंकल जॉर्जेट जो है वो कुछ ज़्यादा ही लो प्राइस में चला जाता है, कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी का कोई फ्रॉक या कोई कुछ भी स्टिच करना है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये कपड़ा परचेज़ करें, क्रिंकल शिफॉन। एक प्योर में भी कपड़ा मिलता है, वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है, 600-700 रुपये गज़ का। तो हमें फ्रॉक या लहंगा तैयार करने के लिए आपको 5 गज़ का कपड़ा, कम से कम 5 गज़ का कपड़ा चाहिए, तो ही इतना फ्लेयर बन सकता है। तो ये मैंने अलग से कपड़ा नहीं लिया था, ये मैंने लिया था, एक सूट लिया था मैंने, ठीक है? उसमें कमीज़, दुपट्टा और ट्राउज़र का कपड़ा था, ठीक है? तो मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है इस फ्रॉक में, और मैं आपको बताती हूँ इस फ्रॉक में। ये जो आपको फ्रंट नज़र आ रही है, ठीक है, ये पूरी कमीज़ का कपड़ा ना मैंने सिर्फ फ्रंट में लगा दिया है, ठीक है? और जो बैक साइड है वो मैं बैक साइड आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग इसकी स्लीव्स देख लें। स्लीव्स ये है कि मैंने हाफ स्लीव्स रखी थी, और साइड पे मैंने के पर्ल्स लगा लिए थे रेड कलर में, जो कि ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आप लोग चाहें तो फुल स्लीव्स भी रख सकते हैं, प्लेन इसका नेक डिज़ाइन था, देखें कुछ इस तरह से। और एक कट मैंने लगा दिया था इसका, और एक बटन ये मैंने बनवा लिया था रेड फैब्रिक का ही, ठीक है? और इसमें ये है कि मैं आपको सारी मेजरमेंट बताऊंगी स्केच करके, और हर कली का साइज़ मैं आपको बता दूंगी, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर तो मैंने ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है इसकी, बिल्कुल अनारी कलर है, इतना खूबसूरत कलर है बैक। तो ये आ गई है फ्रॉक की बैक साइड। इस बैक साइड का मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा सूट था और पूरा जो दुपट्टा था मेरे सूट का, उसकी मैंने बैक साइड बना ली। और इसका जो ट्राउज़र था, ट्राउज़र मैंने कहा कि कोई काम ही नहीं आएगा, जब नज़र ही नहीं आएगा तो कोई भी मैं पालूंगी। दुपट्टा मेरे पास ऑरेंज कलर का रखा हुआ था, उसको मैंने ऑरेंज कलर कटवा के मैंने दुपट्टे पे रेड कलर करवाया, बिल्कुल सेम इस फ्रॉक की तरह, ठीक है? तो ये है कि मेरे पास दुपट्टा तो बचा ही नहीं था, दुपट्टे की तो मैंने फ्रॉक की बैक साइड स्टिच कर ली थी। कहने के बजाय ना मैंने अपना एक लहंगा तैयार किया था, और वो लहंगा मैं कहती हूँ कि ना हर किसी चीज़ के साथ आप पहन सकते हैं, फ्रॉक के नीचे पहन सकते हैं, थोड़ा सा हैवी करने के लिए, ताकि आपके मतलब बीच में फंसता है चलते हुए, ठीक है? और ये है कि उससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है कैन कैन से।
और कैन मैंने तो नहीं बनाया था, मेरे पास लहंगा रखा हुआ था वही मैंने इसके नीचे पहना था। मैं आपको लहंगे की भी डिटेल देती हूँ। लहंगे के नीचे मैंने दिया हुआ था बनारसी पट्टी। बनारसी पट्टी के अंदर मैंने प्रेस बुकरम लगाई हुई थी ज़रा मोटी, ताकि ये इसमें वेव्स बने, ठीक है, और अच्छा लगे पहनने में, चलने में, ठीक है। तो ये है इसका कपड़ा, मैंने 5 गज़ लिया था, 5 गज़ से कम में नहीं बनेगा इतना फ्लेयर जितना आपको नज़र आ रहा है। इसका बहुत ज़्यादा घेरा है ये देखें, और ऊपर से बिल्कुल उतनी ही वेस्ट है, ठीक है, जितनी फिटिंग में होती है। कपड़ा कम था तो मैंने ना ये लाइनिंग का कपड़ा लगा लिया था, ऊपर से नज़र नहीं आना था, मैंने कहा यार जाने दो। मैं आपको फ्रॉक के लिए या लहंगे के लिए यही कपड़ा बोलूँगी कि ये शिफॉन क्रिंकल कपड़ा है। ये कपड़ा है, आप लोग गौर से देख लें, ये जो पठान होते हैं ना ये पागल बनाते हैं, क्रिंकल जॉर्जेट का कपड़ा देकर कहते हैं कि ये क्रिंकल शिफॉन है बाजी। तो ये कपड़ा है, आप लोग देख लें, प्योर का कपड़ा नहीं है ये, प्योर का कपड़ा बहुत महंगा है, 600-700 रुपये गज़ है, ज़्यादा देर चलने वाला ये कपड़ा है। मैं पकड़ पकड़ के इसलिए आपको दिखा रही हूँ, गौर से देख लें आप। और ये बनारसी कपड़ा मैंने लगा के ना नीचे, तो ऊपर ये मोती लगाए थे UHU से। ये लहंगा ऐसा लहंगा है कि आप लोग ये लहंगा स्टिच कर लेंगे ना, ये काफ़ी सालों साल चलेगा अगर ये फटेगा नहीं। कभी आप इसको शर्ट के साथ पहन सकते हैं, बस कमीज सिलवा लें, फ्रॉक सिलवा लें, छोटी कुर्ती बना लें। तो सबसे पहले मैं आपको कलियों वाले लहंगे की मेजरमेंट बता दूं, टोटल 44 लेंथ है इस लहंगे की, ठीक है, 44 लेंथ है इसकी, ये पैच इंक्लूडेड, ओके। और ये है कि हर कली जो है ये है 2 इंच की कली होगी, ये 8 कलियाँ हैं, ठीक है, 8 कलियाँ हैं, 2 इंच की सारी कलियाँ हैं, 2-2 इंच की। और ये है कि 16 इंचिस का मेरा टोटल वेस्ट थी मेरी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जिप नहीं एडजस्ट की, आप लोग करना चाहें कर लें इजीली ताकि खोल के पहन सकें, ठीक है, मैं तो बस चढ़ा लेती हूँ जैसे तैसे करके। और फिर ये है कि हर कली जो नीचे से है वो 10 इंच की तैयार है, ठीक है, हाफ हाफ इंच जो सिलाई में आएगा आप 10.5 या 11 इंच रख लें, एक बूट की सिलाई लेनी है तो आप 10.5 इंच रखेंगे, ठीक है। 3 इंच की लंबाई है इसकी, ठीक है, और अंदर मैंने उसके टफ लगा लिया था जो कि काफ़ी हार्ड करने के लिए ना मुझे ये चाहिए था। एज इट इज़ आपने 2 इंच की ऊपर से कली कटिंग करनी है, 3 इंच की कटिंग करेंगे तो 2 इंच तैयार होगा, हाफ हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा। मैं आधा आधा इंच सिलाई में नहीं लेती, सिर्फ 3 पॉइंट लेती हूँ सिलाई में। 3 इंच की ऊपर से कली काटनी है और नीचे से आपने 11 इंच की कली काट लेनी है, ठीक है, और लेंथ 44 है, बहुत ईजी है, ऐसे स्टिच कर लें आप। और ये है कि मैं आपको बताती हूँ फ्रॉक की डिटेल। फ्रॉक की डिटेल ये है, सबसे पहले आ जाते हैं लेंथ पे फ्रॉक की, जो रेड कलर की फ्रॉक है, लेंथ ये है कि 55 है इसकी फुल लेंथ इस फ्रॉक की। और आ जाते हैं स्टार्टिंग से, बॉडी जो है 13 इंच की है लेंथ इसकी, ठीक है, नेक डिज़ाइन जो है मतलब नेक की जो चौड़ाई है वो 9.5 है, ठीक है। और फिर ये है कि एक 4 कलियों वाला मैंने सिया था, ठीक है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी 4-4 कलियाँ हैं, और 4.5 इंच की हर एक कली है, मतलब तैयार रखनी 4.5 इंच की, ठीक है। और फिर ये है कि नीचे से जो ये कली आ रही है ना फ्रॉक की, ये ऊपर से 4.5, नीचे से 10 इंच तैयार। इस तरह आपने 1, 2, 3, 4 पार्ट्स कटिंग कर लेना, ठीक है, और हर कली के बीच में आपने ये कली काट के डालनी है। 33 इंच की ये कली होगी लेंथ इसकी, और नीचे से जो इसकी चौड़ाई है वो 12 इंच की होगी, 12 इंच की, 12 इंच की इसकी लंबाई 33 इंच की। ये कली मैं बताती हूँ कैसे कटनी है, और जैसे मैं ये बताऊँगी ना कली वैसे ही ये कटती हैं सारी। ये देखें शर्ट की लेंथ ले लेनी है, ठीक है, कितनी है ये लेंथ होगी आपकी, ठीक है, और ये 10 इंच समझेंगे 10 इंच का है, ठीक है। तो आपने कपड़े को उठा के ऐसे रखना है, ठीक है, तो ये इस शेप में आएगा, तो बस आपने यहाँ से कटिंग कर लेना है। यहाँ से जब कटिंग कर लेंगे तो ये कली उठा उठा के बीच में से लगाते रहें, सिंपल इस तरह कटिंग करनी है आप लोगों ने कलियाँ। फ्रॉक का जो शोल्डर था 14 इंच तैयार था, और जो ये आर्म होल था मैंने ये 7.5 रखा था, मतलब फिटिंग में ही रखा था ये 7.5 था, ताकि अच्छी सी फिटिंग आए इसकी। ऊपर से मैंने पूरी फ्रॉक जो है ये फिटिंग में थी मेरी, और नीचे से शेप आ रहा था इसका फ्लेयर का। नीचे मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगाया, बस अंदर की तरफ इनर पे पलटावा लगाया था 4.5 या 5 इंच का, इतना चौड़ा चौड़ा, ठीक है, अंदर वाली साइड पे लगाया था पलटावा। ये है पूरी डिटेल फ्रॉक की, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसकी भी हो गई डिटेल, इसकी भी हो गई। आपने लहंगे की भी जो कली काटनी है ना आपने ऐसे ही काटनी है, कपड़े की बहुत बचत होती है इस तरह ना, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है।
इस तरह ही आपने कली कटिंग किया करनी है। इस तरह लंबाई से रख के कपड़ा आपने देख लेनी नीचे से कितनी कली है, ठीक है, उस हिसाब से आपने ऐसे फोल्ड करना है। फिर एक कली नीचे की आप देख लीजिएगा इसकी चौड़ाई, बस ऐसे कटिंग कर लें आप। और ये ऊपर वाली 2 इंच है ना, तो आप यहाँ से बढ़ा के कर लें कटिंग, सही है, इसको आगे की तरफ कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ 3 इंच का रख के बस कटिंग कर दें। मुझे तो फ्रॉक के नीचे ये पहनना था कि बस ये पट्टी शो हो नीचे से, जो ये पट्टी शो हो रही है ना, तो फ्रॉक ही इतनी लंबी थी तो लहंगा आप कहाँ नज़र आना था। ये है कि उसकी लुक जो है ना बहुत ही अमेजिंग बनी थी उसकी लुक, ये मैंने जब नीचे पहना था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पहना हुआ कैसा लग रहा था। तो ये ड्रेस जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था, ये फैसलाबाद में मैंने पहना था, जो कि मैं अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ पे एक शादी आई थी मेरे कज़न की, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे पहना था। तो मैंने स्मोकी आइज़ का टच दिया था। और ये वाली जो पिक्चर्स है ना, ये वाली, ये मैंने पहना था सेकेंड टाइम कराची में एक शादी थी वहाँ पर मैंने पहना था, ससुराल वालों की तरफ की थी। तो इतना के प्यारा लग रहा था ये ड्रेस, मैं कहती हूँ आप लोग लाजमी स्टिच करवाएं। मैं कहती हूँ आपको ना मज़ा आए ना तो पैसे वापस, सही है। डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना इंस्टा का अकाउंट ऐड कर दूँगी, वहाँ जाके आप लोग फॉलो करें। मैं कहती हूँ सबसे कम बजट में सिलने वाला ये मेरा ड्रेस है, इतना खूबसूरत है। ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, ये देखें, ना ही ज़्यादा पतला है कि लाइनिंग लगे, ना ज़्यादा ये मोटा है कि कड़क लगे, ठीक है, ये ढलकता हुआ कपड़ा है सिल्क का। इसकी डिटेल ये है कि ये मेरे पास बंच रखा हुआ था, आपके पास बंच हो तो ठीक है, नहीं हो तो परचेज़ कर लें। ये 350-400, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम ये 500 का ही आएगा, ठीक है। ये आपने, ये तो मैंने सुई धागे से लगाया हुआ है, एप्लिक आप लोग करवाना चाहें करवा लें, प्लेन स्लीव्स हैं इसकी, ठीक है। ये कपड़ा 1200 रुपये का आया था मेरा, पूरे सूट का कपड़ा है ये, ठीक है। ये पूरे सूट का कपड़ा लिया था मैंने, जिसमें से सिर्फ एक फ्रॉक से लिए, और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था, 350 रुपये का ये दुपट्टा मुझे पड़ा था सिर्फ और सिर्फ। मैं कहती हूँ मेरे पास जितनी भी कलेक्शन है ना फॉर्मल ड्रेसेस की, सबसे सस्ता ये बना था सूट, और इतना प्यारा लगता है ये पहना हुआ। मैं आपसे इसकी पिक्चर्स शेयर करूँगी। ये इस शेप में आता है, ये शेप है इसकी, और ये जो कॉर्नर है ना, ये अंडर आर्म्स में लगेगा। जब आप लोग पूरा ये ड्रेस पहन लेंगे तो वो पिन से आपने अटैच करना है, सेफ्टी पिन से, ठीक है, इसको। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका फ्लेयर बनता है, आप लोग देखेंगे ना। ये ड्रेस मैंने आपको शायद शुरू में ही दिखा दी थी वीडियो। मेरा बच्चा कैसे लाइट लेके बैठा हुआ है। हेलो, हाय करो, फिर क्या हो लड़का? अरे बच्चे हो। और ये जो बेल है, ये मैंने ली थी 200 रुपये गज़ ली थी, एक गज़ मैंने ले ली थी, मैंने सोचा अपने वेस्ट पे लगा लूँगी, यहाँ पे जहाँ ये जोड़ आ रहा है, ठीक है। तो ये कि तो इस ड्रेस को मैंने ज़रा फॉर्मल का टच देना था, तो इसलिए मैंने इस बेल का इजाफ़ा किया है। मैंने इसको फ़िक्स नहीं किया था, मैं इसको पिनअप ही करती थी, और आप लोग फ़िक्स करना चाहें तो फ़िक्स कर लें, ठीक है। तो ये है ड्रेस मेरा, हो गया था तैयार। अच्छा, ये दूसरा मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज किया इस फ्रॉक की, ये इस तरह से है, ठीक है। ये पूरा चोरस है कपड़ा, ठीक है, आपने कॉर्नर से बस जो गुलाई कटिंग होती है फ्रॉक के लिए वो काट के आपने इसके साथ यॉक पेटी जो भी कहते हैं वो अटैच कर लेनी है उसके साथ, सही है। ये कटिंग है, मैं आपको यहाँ से भी मेजरमेंट बता दूँगी और यहाँ से भी बता दूँगी, ठीक है। ये मैं कहती हूँ बिल्कुल ऐसा है ये ड्रेस, मैं कहती हूँ मैं पहनती हूँ ना, लोग पकड़ पकड़ के देखते हैं यार ये सिया हुआ क्या है तुमने, सिया हुआ क्या है, लेकिन ये है आज मैं बता रही हूँ कि ये मैंने क्या स्टिच किया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो ये मेरा सूट हो गया था रेडी, तो मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता दूं, ठीक है, चलें। फ्रॉक की मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ, इस फ्रॉक की ऐसी लुक है, आपको समझ आ रही है। मैं आपको बताती हूँ इसकी कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये है, इसकी जो बॉडी है वो है 12.5 इंच की लंबाई है, ठीक है, और वेस्ट जो है ये मेरी 16 है, आप लोगों ने अपनी देख लेनी है। हाँ पुत्र, बताती हूँ गले की जो लंबाई है वो 3.5 मैंने तैयार रखी है, गले की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, 21 इंचेस की स्लीव है इसकी। ये तो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मैं आपकी इसकी कटिंग बताती हूँ मैंने कैसे की थी, ठीक है। आपने सिंपल कपड़ा ऐसे रख लेना है जिसकी लंबाई 41 होगी
ऐसे, और जिसकी चौड़ाई होगी 56 रखनी है आपने। फिर आपने अपनी वेस्ट देख के यहाँ से कटिंग कर लेना है, ठीक है। बड़े हिसाब से कटिंग करना है, यहाँ और यहाँ, ये यह है कि एक ही सिलाई आके हो, ज़्यादा कपड़ा यहाँ ना बचे, इस तरह कटिंग करना है आपने। और फिर ये है कि ये जब कटिंग हो जाएगी आपकी वेस्ट तो आप देख लीजिए कितना कपड़ा बच रहा है। मेरा तो 43 बचा था और इस तरफ से 30 बचा था। जब कटिंग करेंगे यहाँ बॉडी अटैच होनी है आपकी, ये वाली बॉडी यहाँ अटैच होगी, सही है। मैंने पूरा स्केच बना दिया, यहाँ बॉडी आपकी अटैच होगी, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, टेलर से सिलवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हाथ पांव मारें ये कटिंग हो जाएगा। सीधी सीधी सिलाइयाँ ही लगनी है और कुछ नहीं होना, ठीक है। सिर्फ आपने ये बॉडी तैयार करनी है और इसकी शेप दे के लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है, ठीक है। खुद करके देखें, किसी दुपट्टे पे कर लें, किसी भी चीज़ पे कर लें, किसी बच्चे का बना के देख लें एक्सपेरिमेंट के लिए, फिर बाद में अपना करें, ठीक है। जब ये सारा कटिंग हो जाएगा तो फिर ये है कि इसको उठा के ना आपने यहाँ अटैच कर लेना है अपने अंडर आर्म्स में, जिस तरह ये है, ठीक है। इसको उठा के आपने यहाँ अटैच कर लेना, तो बहुत खूबसूरत ऐसे इसका फ्लेयर बनेगा। सबसे सस्ता मुनासिब कीमत में तैयार होने वाला ये सूट है मेरा। आपको सिर्फ इस ड्रेस के लिए 2 सेफ्टी पिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटी और एक बड़ी। देखिए, आपने बेल्ट अटैच कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था फ्रॉक का, अब यहाँ पे वो अटैच करना है। फ्रॉक को यहाँ से अटैच करने के बाद आपने ये बेल्ट लगा ली, इस तरह की लुक आएगी इसकी ना। गला इतना फिक्स बैठा था, बोट शेप में इसका नेक है। ये जो मैंने बंच सुई धागे से मतलब तुरपाई किया था, ये बड़ा प्यारा फिक्स आया था, पर आपने ऐसे ही इसी शेप में लगाना है, ठीक है। इस ड्रेस में ना सेलिब्रिटीज़ वाली लुक आती है, सच में ये ऐसा ड्रेस है कम बजट में तैयार होने वाला, ज़बरदस्त लगता है, इतना ज़बरदस्त लगता है। आप बैठे हुए होंगे, खड़े होंगे, मतलब जैसे भी, तो ये लुक आएगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।